सरकारें नियम कानून से चलती हैं और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते। और इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। मैं फिर आपसे बोलूंगा, मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को स्थान देने में हमेशा अग्रसर रही है। आज अगर लोकसभा में हमारे 42 एमपी हैं, राज्यसभा में 14 एमपी हैं, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स 10 महिलाएं हैं और हमारे यहां हम पहली पार्टी हैं और अकेली पार्टी हैं जो संवैधानिक तौर पर 33% आरक्षण महिलाओं को देते हैं हर समिति में, एवरी कमिटी, राइट फ्रॉम नेशनल कमिटी टू दी बूथ कमिटी, इन एवरी कमिटी 33% वेमेन रिप्रेजेंटेशन होता है। और हम सबको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर मैडम सुषमा स्वराज, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी और फर्स्ट वुमेन मेंबर इन द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें भी फर्स्ट वुमेन मंत्री। यानी हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, यह बात हमारे सामने में आती है।